अरे भाई आ रही हूँ आ रही हूँ। किसको हो रही है इतनी तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें हो रही है। जब तुम फीडा पीती थी ना तब से मेरा शम्स का चल रहा है। तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई हो। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है भाई? अगर तुम लोगों का बचपन से चक्कर चल भी रहा तो जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा चलता रहेगा। चलेगा तो हमारा कयामत तक। लेकिन अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें जहन्नुम भी जन्नत लगेगी। इतने बड़े दावे मत करो फलक। तुमने ना अभी गीति का चक्कर देखा नहीं है। लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे, सबको बुला लूंगी यहाँ। गीति मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुमने शम्स को दोबारा देखा ना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स भी नहीं पहचानेंगे। हम में से कोई नहीं जानता था कि फलक और शम्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, और कुछ फैसले जो हैं वो तजर्बे की रोशनी में किए जाते हैं। उम्र और जज्बात का उन फैसलों में कोई ताल्लुक नहीं होता। छोटा सा ख़ानदान है, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हर दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ दें। और ये फैसला करते हुए भी मैंने बहुत सोच विचार की है, एक इम्तिहान से गुजरा।